हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बायो के बारे में बताने जा रही हूँ, मतलब जनरल बायोलॉजी, जनरल साइंस का जो चैप्टर मैं केमिस्ट्री में बता रही हूँ उसी में बायो का आज पहला क्लास है। इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी का मतलब होता है, ये दो वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका एक है बायोस एंड दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसका ये मतलब होता है कि लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ये चीज़ें आप क्यों बता रही हैं, एग्ज़ाम में तो ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि बायोलॉजी होती क्या है। तो ये बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ नोन एज बायोलॉजी। अब है सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा हुआ है एंड हो सकता है कि आगे भी किसी एग्ज़ाम में पूछे, तो इसके लिए आपका जानना ज़रूरी है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, जो कि हिंदी में आप उनको अरस्तु भी कहते हो। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका बोटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। बोटनी के फादर को थियोफ्रेटस कहते हैं, याद रखिएगा, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस को कहते हैं एंड फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। बोटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, सिर्फ प्लांट की स्टडी को हम बोटनी कहते हैं एंड एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। तो एनिमल स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी बहुत सारे हैं, एनिमल भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं, तो उनकी स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है कि कौन से प्लांट्स हैं और कौन से एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम किया गया था वो एक्चुअली एरिस्टोटल ने ही किया था। उन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स एंड श्रब्स में बांट दिया था, मतलब कि बड़े प्लांट एंड छोटे प्लांट में। और जो एनिमल्स थे उनको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को बोला था कि ये हमारा जिसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे और दूसरा जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इनकी जो स्टडी थी वो चली नहीं। उसके बाद आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम सिस्टम कहने का मतलब है कि इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको दो भाग में डिवाइड किया और इन ऑर्गेनिज्म में एक को बोला कि वो प्लांट किंगडम में आएंगे, दूसरे को बोला कि एनिमल किंगडम में आएंगे। तो इन्होंने एनिमलिया एंड प्लांटी ये दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया और बोला कि एक हमारा प्लांट किंगडम है और दूसरा एनिमल किंगडम है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते थे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनके लिए अलग क्लासिफिकेशन रखना ज़रूरी था। वो उनका जो कैरेक्टर था वो प्लांट और एनिमल दोनों से मैच खा रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी हम पार्टिकुलर ग्रुप में उनको रखें, या फिर सारे ऐसे एनिमल्स नहीं थे जिनको हम एनिमल किंगडम में ही रखें और सारे प्लांट्स भी ऐसे नहीं थे जिनको प्लांट किंगडम में रखा जाए। तो इसलिए इसके बाद भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। और उसके बाद आए आर एच विटकर। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे में ये पूछा जाता है कि जो लीनियस थे उनका कौन सा बुक है, तो ये है सिस्टेमा नेचर। दूसरा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लीनियस को ही कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे चल के भी मैं आपको बताऊँगी टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है। अब इसके बाद की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर एच विटकर ने दिया था, और इन्होंने प्लांट को, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे ऑर्गेनिज्म को पांच ग्रुप में रखा था, और इसके लिए उन्होंने पांच क्लासिफिकेशन सिस्टम भी लिए थे, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारा उनका क्राइटेरिया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक कहने का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब एक के बाद एक जो चेंजेस होते चले गए उनको, उनकी स्टडी के बाद उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को और पांच किंगडम सिस्टम दिया था, जिसमें फर्स्ट है आपका मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड एनिमलिया। जो प्लांटी एंड एनिमलिया लीनियस ने रखा था वो उन्होंने सेम वैसे ही रहने दिया, लेकिन तीन अलग और ग्रुप दिए थे जिसमें एक फर्स्ट आता है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई। अब है कि
मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा या जो भी अलग हैं, अगर सिर्फ आप मोड ऑफ सेल स्ट्रक्चर मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेके चलोगे, तो सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आगे चल के अभी आपको सेल वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दो तरह के सेल होते हैं। तो मोनेरा में वैसे सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक टाइप का हो। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसके अलावा जो ये चारों हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वही आते हैं। और मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया इसके मेंबर्स हैं, मतलब बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया हो गया, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये नाम भी याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछ देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट अ एल्गी, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये आप नोट भी कर सकते हो, जब भी कभी पढ़ने बैठे तो नोट जरूर करते रहिए सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लिखे नहीं होते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो आप केयरफुली सबसे पहली बात तो सुनिए और सुनने के बाद उसको नोट भी किया कीजिए। अगला है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी मतलब जैसे अगर आप क्लासिफाई करने जा रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को देखोगे, ये प्लांट है, एनिमल है, या किस तरह की चीज़ें हैं, कैट है, डॉग है, क्या है। तो सबसे पहले स्पीसीज आता है, स्पीसीज ग्रुप ऑफ स्पीसीज को जेनस कहते हैं, एंड ग्रुप ऑफ जेनस जो है वो फैमिली का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद ऑर्डर होती है, क्लास होता है, फाइलम एंड किंगडम, सबसे ऊपर किंगडम आता है। तो ये जो पांचों है इनको हम किंगडम बुलाते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे फाइलम, बहुत सारे क्लास, बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारी स्पीसीज होंगी। तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं इसमें, मेनली याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, इसलिए इसका नाम जरूर याद रखिएगा, और ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा है आर्की बैक्टीरिया, इसको एंशियंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मतलब सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे डेवलप हुआ था इवोल्यूशनरी टाइम में, मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम में, तो आर्की बैक्टीरिया को एंशियंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, एंड माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। अगला है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जितने भी, इसमें भी ये है सेल जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल वाले होते हैं, मतलब इसमें जो भी आएंगे वो मोस्टली सिंगल सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर एंड सिंगल सेल दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सिंगल सेल यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक। ये टर्म बहुत बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं या फिर आप बीएससी एग्जाम्स ले लो किसी यूनिवर्सिटी की, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की, या फिर यहाँ पे नीट का एग्जाम आप दे रहे होगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। डाइवर्सिटी एक ऐसा चैप्टर है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी के अंदर आता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो डाइवर्सिटी से हमेशा ही किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, इसमें एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ, यूगलिना, डायटम्स एंड डिस्माइट्स या फिर स्लाइम मोल्ड्स। डायटम्स जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसको कहा जाता है ज्वेल ऑफ द सी, मतलब ये सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करता है इन ओसन, ओसनिक सिस्टम में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूगलिना का जो बॉडी होता है उसके ऊपर प्रोटीनाइसियस कोट लगे होते हैं, इसलिए यूगलिना भी बहुत बार पूछा हुआ है और ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। प्रोटोजोआ भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आप जानते हो कि प्रोटोजोआ में बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे कि मलेरिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और ये एक प्रोटोजोआ होता है, तो मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ डिजीज है। आगे चल के हम देखेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो प्रोटोजोआ के अंदर आती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है फंजाई। फंजाई एक चीज़ और है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होगा। तो प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या फिर हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। यूगलिना इसलिए एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है,
युगलेना में हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मतलब अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही हो तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक उस कंडीशन में हो जाते हैं, तो इसलिए ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है। अगला है फंजाई। फंजाई में आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इस चीज़ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसका होता है, और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटीन का बना होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, काइटीन का बना होता है सेल वॉल। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मशरूम, म्यूकर, एल्बोबो, राइजोपस, ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। मशरूम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगला है प्लांटी। प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स इसमें आते हैं, और इसमें भी आगे चल के आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को काफ़ी ब्रीफली पढ़ना है। इनके बारे में आप जानोगे एग्जांपल्स, तो इसके बारे में मैंने एग्जांपल्स या कोई चीज़ें नहीं लिखी है, क्योंकि प्लांट किंगडम काफ़ी बड़ा किंगडम है, एनिमल किंगडम भी काफ़ी बड़ा किंगडम है, तो एक एक क्लास, मतलब कि एक वीडियो आपको प्लांट किंगडम पे एंड नेक्स्ट वीडियो आपको एनिमल किंगडम पे प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ बायोलॉजी में जितने बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, टर्म्स मीन्स स्टडी ऑफ एनीथिंग क्या होता है, मतलब इसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एंट क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहेंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो भी हैं इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उससे जितने भी एंट्रेंस हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनिमलिया जो है उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें ऑटोट्रॉफिक और इसमें होलोजोइक। इसके बाद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर उसका कैसा है ये देखते हैं। उसके बाद उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर होता है। तो क्योंकि ये सारी प्रोसेस फिजिकल होती हैं, क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे देख रहे हो, सारी चीज़ें बता दी गई हैं, इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भी, और ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्पीसीज, जीनस, ये एक एक जो टाइप होता है इसको टैक्सोन कहते हैं। ये क्योंकि आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, जितने वनडे एग्जाम्स है उसमें तो नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना जानिएगा कि इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद आपका टर्म आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, प्लांट के, एनिमल के, किसी के भी, वो जनरली लिखा होता है लैटिन में, मतलब वो लैटिन वर्ड होते हैं और इटैलिक्स में लिखे होते हैं, और इसीलिए जब भी कभी आप बायोलॉजिकल नेम्स लिखोगे, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप जब भी कभी बायोलॉजिकल नेम्स लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो हमेशा ही इटैलिक्स में लिखा हुआ होता है, और इटैलिक्स में क्योंकि हम नहीं लिख सकते इसलिए हम उसको अंडरलाइन करते रहे। नेक्स्ट जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में कैरेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हैं तो उसमें दो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड को हम जीनस कहते हैं एंड सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे आप इसमें ग्राम ले लो, जितनी भी चीज़ें पूछी गई है मैंने उतनी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे लिया है। अगर ग्राम को आप देखोगे तो इसका नाम होता है साइसर एरियंटम, साइसर एरियंटम। तो इसमें जो साइसर आप लिखोगे ये कैपिटल में होता है, एंड एरियंटम जब स्टार्ट होगा तो स्मॉल में होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि सेम चारों ऑप्शन जब आपके दिए जाएंगे तो वो सेम नेम के दे दिए जाते हैं, और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा सही होगा। तो सेम नेम में सबसे पहला किसी में हो सकता है कि ये स्टार्टिंग स्मॉल से कर दिया जाए, ये कैपिटल से लिख दिया जाए, किसी में दोनों ही कैपिटल से लिख दिया जाए, किसी में दोनों स्मॉल से लिख दिया जाए, तो वैसा नहीं होगा आपका। जब भी ये जेनस, ये फर्स्ट नेम जो होता है इसको हम जेनस कहते हैं, एंड सेकेंड स्पीसीज का नेम होता है या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं इसको। तो जब भी जेनस का नेम लिखा जाएगा तो वो कैपिटल में होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल में होता है। तो अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें सेम नेम हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये कैपिटल में और ये स्मॉल में होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका मस्टर्ड, इसको बोलते हैं ब्रैसिका कम्पेस्ट्रिस, इसका नाम ये याद रखिएगा। वीट को बोलते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम, पी को बोलते हैं पाइसम सटाइवम, एंड राइस का नेम होता है बायोलॉजिकल नेम ओरिजा सटाइवा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैन का क्या होता है, टाइगर का क्या होता है, काऊ को क्या बोलते हैं, कैट को क्या बोलते हैं, काऊ को क्या बोलते हैं, इनका बायोलॉजिकल नेम आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ और चाहिए या कुछ किसी चीज़ पे आप वीडियो जाते हैं तो उसके लिए भी हमें ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने भी नहीं किया है उन लोगों ने, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।